हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बहुत प्यारे हैं आप लोग। हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं जी बाहर, तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों को दिखा दिया जाए अपना आउटफिट। ये है रोज का डायलॉग, और पीछे के मैस को आप कीजिएगा फुल इग्नोर। वैसे मुझे चाहिए ये कि मैं रोज ये बोलने की बजाय रोज पीछे से मैं इसको क्लीन करके फिर वीडियो बनाऊं। इड्डी वड्डी मैं व्लॉगर। हेयर ड्रेस आपने मेरा देख लिया है, और आज का डे है जी स्लो डे। स्लो डे कुछ इस तरह से है जिसे हमारा कुछ करने का मूड नहीं होता, तो फिर हम चले जाते हैं किसी ना किसी मॉल पे। उधर हम अपना माल उड़ाते हैं और थोड़ी विंडो शॉपिंग करते हैं, थोड़ी वैसे शॉपिंग करते हैं, आदम ले रहा है इधर सेल्फीज, और आ कुछ खाते पीते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं हम आउटिंग पे अपना स्लो डे। और आज हम आए हैं जी सिटी सेंटर दीरा पे। और सिटी सेंटर दीरा जो है इनके बाबा का मोस्ट फेवरेट मॉल है। इसका जिक्र वो इतनी दफा कर चुके हैं, इतनी दफा कर चुके हैं कि बस मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कितनी दफा कर चुके हैं। और उनको इसका नाम याद नहीं आ रहा था, जैसे ही वो इधर पहुंचे हैं तो फिर उनकी मेमोरी आ गया जी वापिस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जी इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इधर का जो केयर फूड है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। उनका कहना ये है कि इधर ये जो है ना, उसकी जो क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज जो है ना, वो काफ़ी रिजनेबल है इसलिए। और एंटर होते ही रस्म के मुताबिक सुल्तान खान ने सबसे पहले अपने लिए लिए हैं जो टाइस, वो तो आपको पता है। और मैंने पता नहीं वीडियो क्यों नहीं बनाई, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे 100% श्योर है कि सुल्तान उस टाइम बहुत ज़्यादा टें 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 कर रहा होना है, अब मुझे हो रही होनी है, फुल आवाज आ रही है, तो आई थिंक इसलिए मैंने वीडियो नहीं। मैंने बहुत ढूंढी बहुत ढूंढी, मुझे नहीं मिली, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता दूं कि सुल्तान खान ने जी की है शॉपिंग। सुल्तान खान को शॉपिंग करवाने के बाद ही हम कुछ और कर सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले सुल्तान खान ने ढूंढी अपने लिए शॉप, और शॉप मिल गई उनको। और इधर आप उनकी कामयाबी चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये हैं जी सुल्तान खान अपने टॉय के साथ, और अब उनके कलेजे को फाड़ गई है, पड़ गई है ठंडक। सुल्तान खान को राजी बाजी करने के बाद अब हमें पूरी परमिशन है कि हम जो चाहें हम अब कर सकते हैं। इधर इस शॉप से मैंने लिया अपने लिए शूज, वो शूज मैं आज शूज आप किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। इसके बाद आपकी बहन एंटर होगी जी सेफोरा पे। सेफोरा जो है वो, मैं तो इतनी मेकअप पर्सन नहीं हूँ, मुझे मेकअप कोई इतना खास पसंद नहीं है और मुझे करना भी नहीं आता, तो इसलिए अंगूर खट्टे हैं। मेकअप शॉप में जब मैं जब भी कहीं जाऊँ और साथ में कॉर्नर हो परफ्यूम का, तो मैं परफ्यूम्स की तरफ ही भागती हूँ, तो उसमें नहाती हूँ। और मैं इधर प्राइजेस कंपेयर कर रही हूँ, पर चीज़ें चेक कर रही हूँ, तो साथ ही जी एक कोवर्कर इनका आया, तो उसने कहा बाजी इधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैंने कहा हूँ क्यों, हो सकता है जो मैंने बना लिए हैं। खैर अब क्या करें, अब आगे बढ़ते हैं जी। आगे ये बढ़ते हैं जी, हम बढ़े हैं फूड लाउंज की तरफ, और फूड लाउंज पे हमें लग गया जी शदीद भूख। इधर मैंने देखा खाड़ी भी, तो मैंने कहा खाड़ी बाद में जाएंगे, सबसे पहले जी इधर आए हैं जी शेक 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 पे। आदम लेगा अपने लिए बर्गर, आदम अपने लिए ऑर्डर करने लगा है जी ये बर्गर। बर्गर का नाम मुझे नहीं आ रहा, अभी अगर ऊपर आता है तो मैं आप लोग को बताती हूँ। ये डबल शेक बर्गर ये आदम ने अपने लिए ऑर्डर किया, और बर्गर जैसा कि नाम है वैसा ही इसके काम है। वैसे बर्गर बहुत यमी, बहुत यमी, मैंने भी ट्राई किया था, बल्कि आदम ने करने दिया था। जस्ट किडिंग। अभी हम जी आदम का ऑर्डर करने के बाद अब हम ऑर्डर करने हैं जी सुल्तान खान के लिए ऑर्डर। सुल्तान खान के लिए हम आज ऑर्डर कर रहे हैं जी पिज्ज़ा, पापा जोन्स का पिज्ज़ा। और पापा जोन्स भी जो इंटरनेशनल ब्रांड है, और इनका पिज्ज़ा मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो पिज्ज़ा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तो देखने में ही लग रहा है बहुत यमी 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 इन माय टमी। और हमने अच्छे माँ बाप होते हुए का सबूत देते हुए बच्चों को देने के बाद हम बड़े हैं जी अब अपने लिए कुछ खाने के लिए। अपने लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैंने बोला कि मैं आज ट्राई करूंगी जी बड़ा पाव, वड़ा पाव, वट एवर। लेकिन सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ कि उन्हें जब पूछा तो उन्हें कहा जी वड़ा पाव तो हो गया जी, हाँ तो प्रोग्राम तो गया वर्थ। खैर इनके बाबा ने मुझे समझाया इधर 70 चीजें नजर आ रही है, तुम कुछ और ले लो, जरूर तुमने वड़ा पाव ही खाना है आज। खैर मैं अच्छे बच्चों की तरह उनकी बात मैंने मानी, और मैंने फिर कुछ और डिसाइड किया। और डिसाइड मैंने क्या किया है, और डिसाइड मैंने किया है जी अपने लिए राज कचौरी। मेरे मुंह में आ गया है बहुत ज्यादा पानी,
और साथ पानी पूरी, पानी आ गया है और साथ ही आ गई है पानी पूरी और राज कचौड़ी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्राई की है जी राज कचौड़ी। ओ माय गॉड, सो यमी सो यमी सो यमी। आई 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 होप मैं कह रही हूँ, आई विश कि मेरे पास अल्फाज होते इसकी तारीफ करने के लिए। बहुत ही यमी, बहुत यमी। और पता नहीं इन इस शॉप पे यमी है या वैसे भी है, इनका पानी पूरी भी बहुत ज्यादा यमी था। और बस एक सीन था इसके साथ राज कचौरी के साथ, कि ये थोड़ी सी स्पाइसी थी मेरे लिहाज से, मुझे थोड़ी स्पाइसी लगी। खैर इसको बैलेंस करने के लिए आपकी बहन ने ऑर्डर किए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। ओ माय गॉड, और गुलाब जामुन के बारे में मैं ये बोलूंगी कि इंडिया में क्या उसको कहते हैं, इंडियन किसी भी रेस्टोरेंट पर चले जाए ना तो वो गुलाब जामुन सर्व करते हैं गरम गरम। मुझे पाकिस्तान का पता नहीं, जिधर हम रहते हैं उधर तो मोस्टली हम गुलाब जामुन या रसगुल्लास जो है वो ठंडे ही खाते हैं। है इधर हम आ गए हैं जी स्टारबक्स पे, स्टारबक्स पे हम आए हैं जी मॉल पे अपना माल उड़ाने। तो स्टारबक्स इधर सेम ही है जैसा है जर्मनी में है, लेकिन फिर भी इधर चीज केक मैंने ऑर्डर किया अपने लिए और सिनेमन रोल, और आदम ने अपने लिए शेक ऑर्डर किया स्ट्रॉबेरी शेक, और मैंने अपने लिए ऑर्डर की है जी कॉफी कोल्ड कॉफी। और ये इनके साथ दो दो हाथ होने के बाद जी आ गया है जी मेरा भाई। आपको मैं दिखाती हूँ जी कौन सा है मेरा भाई, ये है जी मेरा भाई हारिस। ये मेरे लिए इतना अच्छा इतना नाइस है, आज के दिन मेरे लिए क्या आया था, कड़ी पकौड़ा। शुक्र है मैंने खाना इधर नहीं खाया था, थैंक यू सो मच आरसी। और ये उसके बाद जी, उसके बाद क्या, उसके बाद मैं लेती हूँ जी आप लोगों से इजाजत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ, आगे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग्स और आएंगे इंशाल्लाह।